गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने आपको एक नया चैप्टर शुरू किया था आनुवंशिकता। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आनुवंशिकता होती क्या है या आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद किसने इसके बारे में बताया, इनके पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, उसकी कुछ शब्दावली बताई थी जो हमने बोर्ड पे लिखी थी और कहा था इन डेफिनेशन को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक, उसके आगे शुरू कर रहे हैं। शुरू होता है मेंडल वाद। मेंडल, ठीक, मेंडल वाद समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। यहाँ पे उसी शब्दावली में ही एक डेफिनेशन थी, आप भावी तथा प्रभावी, जो शब्दावली लिखी थी उसी शब्दावली में नीचे यह भी डालना पहले अप्रभावी तथा प्रभावी, उसके बाद पड़ेगा आपका मेंडल वाद। ठीक, तो प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है जो लक्षण हमको ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा समझ में आता है। जैसे अगर आप 10 फ्लावर सफ़ेद रखें और एक फ्लावर लाल का रखा है तो लाल फ्लावर पे आपकी पहली नज़र जाएगी तो क्या है, लाल प्रभावी रंग और सफ़ेद अप्रभावी रंग है। मतलब जो हमें कम दिखाई दे या जिसे हम अनदेखा कर दें। क्लास वाले बहुत बच्चे बैठे हैं लेकिन जो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर देता है टीचर्स का तो उस पर उसकी नज़र पहले जाती है क्योंकि वो सारे बच्चों में डोमिनेंस हो गया, यानी कि प्रभावी हो गया। और जो नहीं दिखाई देता है, छुपा हुआ लक्षण होता है, वो हमारा प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो आप डेफिनेशन भी यही लिखेंगे, प्रभावी लक्षण जो लक्षण हमको ज़्यादा दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और छुपा हुआ लक्षण जो है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। शुरू होता है मेंडल वाद। ठीक है, मेंडल वाद, मेंडल वाद का मतलब है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या कहे जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये इनके जनक कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी खोज करी किस पौधे पर, मटर के पौधे पर। इन्होंने अपनी उद्यान मटर के पौधे पर अपनी खोज करी जिसका मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है, पाइसम और सटाइवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है जिस पर इन्होंने अपनी खोज करी। कई समय तक इन्होंने जब खोज करी, जब वंशागत की खोज की तो इन्होंने मटर की 34 किस्मों को, मटर की 34 किस्मों को बेटा साथ में लिया या चयन किया इनका, लेकिन अपने प्रयोग के लिए केवल 22 किस्मों के मटर का प्रयोग किया। 22 किस्मों की मटर का प्रयोग किया, ठीक है। उन 22 किस्मों की मटर में मटर के कौन कौन से लक्षण या कितने लक्षणों को उन्होंने लिया, ठीक, तो उनमें से उन्होंने केवल 7 लक्षणों का चयन किया। कितने लक्षणों का चयन किया, केवल 7 लक्षणों का, 7 विपरीत लक्षण, अपोजिट जोड़े वाले विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर के अपने प्रयोग की प्रस्तुति की। ठीक, तो आप पहले मेंडल वाद में यही लिखोगे कि आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1865 में की थी। कब की थी, 1865 में की थी, और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर के मटर का प्रयोग किया या चयन किया जिसमें इन्होंने 34 प्रकार की किस्मों का चयन किया और अपने प्रयोग में केवल 22 प्रकार की किस्मों को लिया। ठीक है, उनमें मटर के जो लक्षण थे वो 7 प्रकार के थे या 7 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके उन्होंने अपनी पुष्टि की, अपने प्रयोग की पुष्टि की। वो इतना लिखेंगे कॉपी पे। इसके बाद नीचे आप एक चार्ट बनाएंगे जिसमें वो 7 लक्षण जो उन्होंने चयन किए
वो दिखाएगा। क्लियर? तो देखिए वो सात लक्षण। यहाँ पर डालेंगे लक्षण, यहाँ पर डालेंगे उस लक्षण का प्रभावी, और यहाँ पर डालेंगे अप्रभावी। क्लियर? पहला लक्षण था बेटा बीच का, ये लाइन से ऐसे ही लिखेंगे, बीच की आकृति, बीच की आकृति। तो बीच की आकृति कैसी थी, इन्होंने अपने प्रयोग में कैसी आकृति बीच की ली थी? ठीक है, तो प्रभावी जो उसका लक्षण था वो गोल था, और अप्रभावी, अप्रभावी का मतलब समझ में आ रहा ना, जो लक्षण हमको कम दिखाई देता है या कम समझ में आता है। ठीक है, तो वो लक्षण था इसका झुर्रीदार। ठीक है, क्लियर? पहला क्या था, गोल, और दूसरा क्या था, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार। इसके बाद था बीज का रंग। बीज का रंग, ठीक है, तो इसका प्रभावी लक्षण था येलो यानी कि पीला, और अप्रभावी लक्षण था हरा। इसके बाद था आपका पुष्प का रंग। तीसरा क्या है, पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग कैसा था, लाल, लेकिन इसका अप्रभावी हो गया आपका सफेद, लाल और सफेद। ये सात लक्षण थे जिनको ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने मतलब प्रयोग में लिए। क्लियर? इसके बाद तीसरा है फली की आकृति, चौथा क्या है, फली की आकृति। ठीक है, तो फली की आकृति कैसी थी, फूली हुई थी। कैसी थी, फूली हुई, और इसका प्रभावी क्या हो गया, पिचकी। ठीक है, इसके बाद पांचवा लक्षण है आपका, पांचवा लक्षण है फली का रंग। फली का रंग वो है आपका, प्रभावी है हरा और अप्रभावी है पीला। प्रभावी है हरा, अप्रभावी है पीला। इसके बाद छठवां लक्षण था पुष्प की स्थिति, कैसी स्थिति थी। छठवां है पुष्प की स्थिति, तो प्रभावी स्थिति कक्षस, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कक्षस, और अप्रभावी स्थिति अग्रस। क्लियर? इसके बाद सातवां लक्षण है पौधे की लंबाई। सातवां लक्षण आपका क्या है, पौधे की लंबाई। ठीक है, तो पौधे की लंबाई, एक पौधा प्रभावी है उसका लंबा है, और दूसरा अप्रभावी, लंबा का क्या होगा, बौना या छोटा। क्लियर? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बेटा जो उद्यान की मटर को अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, उसमें उसके सात लक्षणों को चयन करके अपने प्रयोग की पुष्टि की थी। वो सात लक्षण कौन से हैं, बीज की आकृति प्रभावी थी गोल, और अप्रभावी उसका अपोजिट हो गया झुर्रीदार। इस तरह बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई। तो इन सात लक्षणों को ध्यान में रख करके उन्होंने क्रॉस कराया था या संकरण कराया था। कल हमने क्रॉस बताया था क्या होता है, संकरण क्या होता है, और अपने प्रयोग की पुष्टि करी थी। तो ये आप अपना उसके नीचे चार्ट बनाएंगे। क्लियर? समझ में आया बेटा? इसके बाद यहां से शुरू होता है ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम।
बेगल जॉन मेंडल के नियम। इन्होंने अपने नियम की पुष्टि के लिए, अपने प्रयोग को मतलब सकारात्मक रूप देने के लिए या सिद्ध करने के लिए तीन नियम दिए थे। पहला नियम था आपका प्रभाविता का नियम। पहला क्या था? प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम था आपका पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेगमेंटेशन। ठीक है। और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्लियर। ये तीन नियम ग्रेगर और मेंडल ने दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम जिसे हम एक संकरण क्रॉस भी कहते हैं, एक संकरण क्रॉस। ठीक है। दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जिसे द्विसंकरण क्रॉस भी कहते हैं, द्विसंकरण। ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि एक संकरण क्या होता है, जिसमें एक विपरीत जोड़े को या एक विपरीत लक्षण वाले जोड़े को ध्यान में रखकर के क्रॉस कराते हैं, तो एक संकरण क्रॉस कराता है। द्विसंकरण में दो लक्षणों को ध्यान में रखकर के क्रॉस कराते हैं, जैसे एक लाल एक लंबा पौधा है तो दूसरा बौना, उसका प्रभावी बौना हो गया। ठीक है। तो ये एक लक्षण का जो हम क्रॉस कराएंगे इसे एक संकरण क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर वो लंबा है पौधा पहला लक्षण, तो उसका अपोजिट बौना होगा। ठीक है। दूसरा लक्षण भी ले लिया कि उसके साथ वो लाल है, तो उसका अपोजिट सफेद हुआ। दो लक्षण हो गए, एक लंबा और एक लाल, उसका प्रभावी हो गया। क्लियर। तो जब इन दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो उसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। क्लियर। ये लिखेंगे, इसके बाद नीचे आ लेंगे आप, पहला नियम आपका हरी ला लेंगे प्रभाविता का। पहला नियम डालेंगे प्रभाविता का नियम। बेटा ऐसे हमने कल भी बताया था कि आप जो लिख, जो हम बोल रहे हैं उसे पॉज करके उसके एक एक शब्द को लिखेंगे भी। ठीक है। आगे बात समझ में। कॉपी पे अपनी नोट्स बनाएंगे और उसे लिखेंगे भी। तो प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम में क्या लिखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बेटा जब अपना नियम निकाला तो इस नियम के अनुसार दो समयुग्मकी पौधों के बीच में संकरण कराया या क्रॉस कराया। दो समयुग्मकी, सम मींस कलम ने समझाया था, समयुग्मकी, समयुग्मकी का मतलब हो गया समान युग्मज, समान युग्मज। यानी कि अगर लाल है तो लाल समान। ठीक है। तो दो समयुग्मकी पौधों के बीच में क्रॉस कराया, ये नियम है। ये लिखेंगे पहले नियम यहाँ पर, इसके बाद इसके नीचे ये क्रॉस कराएंगे। हम ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब दो समयुग्मकी पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया या संकरण कराया गया, ठीक है, तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को हम प्रभावी लक्षण और F2 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये है प्रभाविता का नियम। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया कि जब हम दो समयुग्मकी पौधों के बीच में संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं और F2 पीढ़ी में सारे अप्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। कैसे? देखिए, इतना नियम लिखने के बाद नीचे मतलब बनाएंगे आप रेखा चित्र। ये ला समयुग्मकी है, देखिए दोनों युग्मक समान है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? सफेद। क्लियर। इसका अपोजिट क्या हुआ? सफेद हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या है? ये शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लाल है, शुद्ध लाल। और ये क्या है? शुद्ध सफेद। इसमें कोई मिलावट है नहीं, है ना? शुद्ध सफेद। ठीक है। अब इनकी युग्मक बनाएंगे
तो ये बन रहा है, देखिए इसके युग्मक बनाएंगे तो ये बन रहा है, क्लियर बन गया। अब ये युग्मक बन गया, ये युग्मक हैं, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं युग्मक, गैमीट्स, ठीक है। इनके बीच में हम बता क्रॉस कराएंगे, देखिए क्रॉस कैसे कराते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना। क्रॉस कराने के लिए देखिए पहला गैमेट्स लिया, इसके बाद हमने इसका दूसरा गैमेट्स लिया, तो हमें कौन कौन से लक्षण मिल रहे हैं, एक कैपिटल आर बना, एक स्मॉल आर मिला, ठीक है। फिर जैसे इसी से दूसरा कराएंगे, दूसरे से नहीं इसी से कराएंगे, ये देखिए ऐसे मिल रहे हैं। अब दूसरे से कराएंगे, इससे कराएंगे, क्रॉस समझ में आया, ये हमने इसका कराया क्रॉस, ठीक। ये प्रथम पीढ़ी है, F1 जनरेशन, कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी है, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में सारे लक्षण कैसे प्राप्त हुए हमारे, सारे प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए हैं। अगर आप लाल और सफेद को मिक्स करोगे तो पिंक कलर बनता है, बनता है कि नहीं बनता, उसमें रेड कलर हमें ज्यादा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है ना। हम नॉर्मल अगर गहरा पिंक है तो हम यही कहेंगे रेड कलर का मतलब फ्लावर है, आई बात समझ में। तो इन दोनों में कैसा प्रभावी, ये सारे जो लक्षण F1 जनरेशन में प्राप्त हुए हैं, ये सारे लक्षण कैसे हैं, प्रभावी। और यही क्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रथम नियम पे कहा था, यही तो कहा था कि सब युग्मकी पादपों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे हमें प्रभावी लक्षण प्राप्त तो होते हैं, ये हमारा है प्रभाविता का नियम। और उदाहरण भी ऐसे ही, ये बनाने के बाद नीचे उदाहरण भी ऐसे लिखेंगे कि जब हम लाल, शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प के बीच में क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं या लाल रंग के फ्लावर प्राप्त होते हैं, क्लियर समझ में आया, ठीक है। इसके आगे का पार्ट कल बताएंगे बेटा, ये अपनी कॉपी पे पूरा जैसा हमने बोला है वो हेडिंग्स कॉपी पे नोट करिएगा और वैसे ही रेखा चित्र बनाइएगा, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक